और बच्चों की रिएक्शन देख सकते हो आप, घर से निकलते रिएक्शन। और अगर कुछ लोगों को ज़्यादा फिक्र है तो भाई साहब आप तो वहाँ से उठाओ, बाइक के रिपेयर करवाओ, अपने घर पर लगा लो जाके, ठीक है ना। जब 5 नंबर बाइक का भाई गाड़ी देखो छोटा सा बच्चा आज के दिन की शुरुआत अपने घर से ही हो रही है। एंड गाइस आज बारी भाई अपने हालाबुजा की, और हालाबुजा को आज निकाल रहे हैं क्योंकि इसको वॉश वुश करवाना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी गंदी हो रखी है। शाम के हो रहे गाइस लगभग 6 बज रहे हैं, बट ये घड़ी पीछे है, इसको सेट करना पड़ेगा, अभी सेट नहीं किया हुआ मैंने। सो फिलहाल तो गाइस मैं निकलता हूँ यहाँ से घर से, और गाइस इसको करवाते हैं अच्छे से वॉश और एक छोटी वाली मस्त वाली राइड भी लगाते हैं। और काफ़ी दिन हो गए हैं यार इसको निकाले हुए भी, जो रिएक्शन देख सकते हो आप घर से निकलते ही रिएक्शन। तगड़े वाले क्या हाल है आज भाई आपका? भाई अकेले जा रहा क्योंकि सक्षम भी चला गया चंडीगढ़, शिकारी तो पहले का ही चला गया हुआ है। तो काम और शिप हो, जब 5-6 दिन बाद बाइक भाई गाड़ी पे देखो छोटा सा बच्चा, रिएक्शन काफ़ी मस्त मिल रहे हैं भाई साहब घर से निकलते ही, रिएक्शन खतरनाक वाले आ रहे हैं। और भाई रिएक्शन देख रहे हो, रिएक्शन देख रहे हो पावर भाई साहब खतरनाक। आर1 भी लगी हुई है अंदर, और गाइस ये लगी है भाई आर1, दिख गए यार यहीं पे लगी हुई है साहिल की शॉप पे। कलर तो मस्त हो रखा है इस पर, बट थोड़ी थोड़ी ये उतर रही है ना, ये थोड़ा गंदा लगता है, बाइक बिल्कुल ओके है। और गाइस साहिल तो अभी तक आया नहीं, साहिल गया हुआ घर पे। एंड गाइस अपनी बाइक इतनी देर वॉश वूश करवा लेते हैं यार, देखो कितनी गंदी हो रखी है। What started as a phase has become a growing trend. और गाइस अपने छोटे छोटे भाई लोग आ चुके हैं, ये देखो गाइस इन्होंने देख ली बाइक और आ गए। कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है ना? कहाँ से? हाँ से देख लिया। तो आप कहाँ रहते हो? हम अच्छा आगे रहते हो। तो भाई सब बाइक एकदम हो गई साफ, और फिलहाल तो यहाँ से निकलते हैं और एक लॉन्ग ड्राइव मारते थोड़ी सी। और गाइस आज हम लोग जाएंगे बाईपास वाली साइड, और वहाँ से घूमते हुए जाएंगे घर को, और बाइक भगाने का मन कर रहा है आज मेरा, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ यहाँ से ही चल पड़ता हूँ क्योंकि यहाँ आगे रोड काफ़ी मस्त है, काफ़ी मज़ा आने वाला भाई। एंड गाइस मैं बात कर रहा था कि हमने जो बाइक फेंकी थी, एंड गाइस उसमें क्या होता है कि हम लोगों ने बाइक ली होती है वो कवाड़ से बाइक उठाई होती है, और कवाड़ से बाइक ली थी 5,000 रुपये की। तो भाई साहब लोगों को इतनी फिक्र है, जैसे लोग बोल रहे हैं कि ये रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। अगर आपको इतनी भाई रिस्पेक्ट है बाइकों की, तो जब टाइम हो जाता है बाइक का, जैसे वो वाली बाइक थी 2008 मॉडल, जब बाइकों का टाइम पीरियड ख़त्म हो जाता है फिर उसके बाद आप लोग कवाड़ को क्यों बेच देते हो? वो अपने पास रखो, घर पे रखो, और भाई 2-3 हज़ार के लिए आप बाइकें बेच देते हो। लोग ऐसे होते हैं, कोई तो कोई ऐसा है ना जो बंदा जो जिसने कवाड़ को वो बाइक बेची थी, और गाइस हमने खरीदी थी तो उसको वैसे भी क्रश होना होता है बाइकों को, वैसे भी वो टोटल लॉस करते हैं और लोहा पिघला देते हैं, प्लास्टिक वगैरह सारा कुछ पिघला वगैरह के उसका कुछ नया बनाते हैं। वो बात ये है कि बाइकें वो पुरानी और कवाड़ से उठाई हुई है, कोई ये नहीं है कि हमारी बाइक हम अपनी बाइक उठा के फेंक दी, ये कर दिया, वो किया, वो नहीं है भाई, बाइकों से लगाव है, लगाव होता है। बट जब आप लोग बाइकों को बेच देते हो सेकेंड हैंड करके, तो फिर ओ भाई छोटा सा रिएक्शन देख लो गाइस, ये सारा मसला था। और दांजू को भी कमेंट कर रहे, स्टोरी डाल देते कुछ लोग, इनको ये मोटो ब्लॉग रहे हैं या क्या है भाई साहब? पहले आप देखो, सोचो, समझो। और वीडियो में भी हमने पूरा बोला हुआ कि ये बाइक कवाड़ से ली हुई है, और सारा कुछ हमने बताया हुआ कि अपनी बाइक ने कवाड़ से उठाई है, और इसकी एज भी ख़त्म हो गई है बाइक की। अब उस बिना एज वाली बाइक को क्या करोगे आप लोग? रखता है कोई? लोग गाइस बेच देते हैं। ये फ़ोन आ रहे हैं एक दो बंदों को, मैंने बोला भाई मैंने गलत क्या किया, हमने ना तो वो पब्लिक प्लेस में किया ना तो कहीं किया, उसको किया हमने बिल्कुल एकदम साइड पे। और भाई बातें करने में तो जितनी मर्जी कर ले कोई, ठीक है, खैर छोड़ो इस बात को। एंड गाइस आप ब्लॉग एंजॉय करो, और बाइक थोड़ी सी भगाएंगे। मैं पुल पे पहुंच चुका हूं, पुल देख लो गाइस, नीचे पानी काफ़ी भरा हुआ है चनाब का। पहले इसको नमस्कार करो
गाइस एक चीज़ और बताता हूँ, हमने बाइक नीचे फेंकी प्लस उसका भी फ़ायदा दिया लोगों को। भाई बाइक नीचे गई, वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं तो उनको हमने बताया कि हमने बाइक फेंक दी और आप जाके वो कबाड़ को बेच सकते हो और पैसे आप रख लो, हमें वो पैसे नहीं चाहिए। हमारा मोटिव है कि हमने वीडियो बनानी, हमने वीडियो बनानी, बात खत्म। गाइस वो बाइक भी हमने ना लोगों को दी है ताकि वो कबाड़ में वापस जाए, वो वापस से बाइक जाएगी कबाड़ में और वो बिकेगी। हमने कोई वो बाइक नहीं फेंकी चलाने वाली बाइक, हमने वो फेंकी जो अनयूज थी, ठीक है। बाकी कदर हम पूरी करते हैं यार चीज़ों की, ऐसी नहीं है, बट लोगों को कदर नहीं होती जो दो दो तीन तीन हज़ार में अपनी बाइक के कबाड़ को बेच देते हैं। भाई दो तीन हज़ार से कुछ नहीं बनता, आप उस चीज़ को घर पर रख लो, ठीक है। और अगर कुछ लोगों को ज़्यादा फिक्र है तो भाई साहब आप कबाड़ से उठाओ बाइक के, रिपेयर करवाओ, अपने घर पर लगा लो जाके, ठीक है ना। वे क्या कर रहा है, खड्डा देख के डर गया भाई साहब बोलेरो वाला इतना क्या हो गया यार डरने वाला, तेरी ऑफ रोडिंग वाली गाड़ी है, घुसा दे। तो थोड़ी सी बाइक खींचूंगा मैं, पेट्रोल भी कम है बट कोई नहीं, थोड़ी सी तो भगा ही सकता हूँ। लास्ट टाइम यार मैं बाइक खींच रहा था, वाइजर नहीं, और रिएक्शन काफ़ी खतरनाक अल्टीमेट आ रहे हैं। लास्ट टाइम मेरा ना वाइजर ख़राब था इसलिए मैं बाइक खींच नहीं पाया, और आज भाई एकदम ना वाइजर भी चमक रहा है। थोड़ी सी बाइक पकाने का मन था इसलिए इस रोड पर आ गया यार। ओ भाई ये रोड था खींचने वाला, यहाँ पर थोड़ा सा ट्रैफिक है, यहाँ से इतनी नहीं खींचेंगे, थोड़ी सी खींचेंगे। ओ भाई साहब क्या रिएक्शन आ रहे हैं, जय श्री राम भाई, रिएक्शन देख रहे हो। कभी कभार चलानी चाहिए ना अपनी बाइक, सुपर बाइक लेके रखी हुई तो। ये काल ओए होए होए बिल्ली मारू, ओ भाजी ओए होए ओए भाई साहब, पहले बिल्ली बच गई भाई, फर्स्ट गियर तो मैं भूल गया, कोई नहीं यहाँ पे स्पीड ब्रेकर है, इसको क्रॉस करने के बाद खींचेंगे। तो भाई साहब रिएक्शन देख रहे हो, क्या पटाखे मार दिए भाई, खतरनाक मशीन है भाई ये। अबे क्या कर रहे हैं ऊपर आए गाइस, गाड़ी वाले देख रहे हो भाई, सीधे सीधे ऊपर आ रहे हैं भाई साहब, एक मिनट का मतलब कि वेट नहीं कर सकते कि गाड़ी निकले दूसरा बंदा जाए हम निकले। भाई लोगों को है ही नहीं है, लोगों को भाई इतनी जल्दी है ना, क्या ही बोलूँ यार भाई, आराम से जाओ, कोई दिक्कत नहीं होती, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको, बट देख के चलो, बिना देखे जाओगे तो आपको पता ही है यार क्या क्या होता है। देखो गाइस मैं आया तो पुल भी खुल गया भाई साहब, ये सही है। ये देखो गाइस वो वाले पुल से गए थे, इस पुल से हम लोग वापस आ गए हैं, छोटी सी भाई लोकल राइड। भाई रिएक्शन चेक कर रहे हो, लौंडे हो गए यार। देखते हैं संडे को कोई मस्त वाला प्लान बनाते हैं और राइड करते हैं यार, एक बढ़िया वाली, यहाँ ऑफ रोडिंग करेंगे यार, राइड करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे भाई साहब। ओ भाई मैडम क्या कर रही हो, देख रहे हो भाई हायाबुसा, देखो छोटे छोटे बच्चों को भी पता भाई हायाबुसा ये। करके लगाना पड़ेगा यार, तो भाई सभी में आ
आ चुका हूँ अपने घर पे एंड गाइस बाइक लगा दी मैंने नीचे। आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मस्त अच्छा सा कमेंट करो एंड अगली धमाकेदार कोई वीडियो डालने वाला हो गाइस। सो बने रहें साथ और सपोर्ट करो। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट मस्त अच्छे से वीडियो में, तब तक लिए गाइस बाय।